गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का द्वितीय अध्याय, बाल गोविंद भगत। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चरित्र को उद्घाटित करने का प्रयास किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। हमने देखा था कि वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से केवल कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार क्या होता है? जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं और इसी कारण उन्होंने बाल गोविंद भगत का जो चरित्र यहाँ पर प्रकट किया है वो समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार की कुरीतियों या रूढ़ियों पर प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। इस व्यक्तित्व के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को भी मिलती है। कल हमने जब पाठ प्रारंभ किया था तो हमने देखा था कि बाल गोविंद भगत का शारीरिक और चारित्रिक व्यक्तित्व यहाँ पर बताया गया था। बाल गोविंद भगत मंझोले कट के गोरे चिट्टे आदमी, 60 से ऊपर की उम्र, लंबी दाढ़ी या जटाजूट उनके नहीं था, चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी होती थी और कबीरपंथियों की सी टोपी होती थी। सर्दी आती तो एक काली कंबल ऊपर से डाल लेते और एक रामानंदी चंदन का तिलक उनके लगा रहता। दूसरा, उनका चारित्रिक व्यक्तित्व हमने देखा था कि वो साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को अपना सब कुछ मानते थे, अर्थात साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, झूठ नहीं बोलते, सबसे खराब व्यवहार करते, दो टूक बात कहने में कोई संकोच नहीं करते, किसी की चीज़ को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। जो कुछ खेत में पैदा होता उसको कबीर के दरबार में ले जाता है और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से वो अपना जीवन यापन करते। तीसरी बात हमने देखी थी उनके मधुर गायन की विशेषता कि वो हमेशा कबीर के पद गाते रहते और उनके मधुर संगीत की ऐसे विशेषता थी, ऐसा प्रभाव था कि बच्चे खेलते हुए झूमने लगते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते। औरतों के होंठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती है। हल चलाने वाले हलवाओं के पैर भी ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। आखिर ये बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? यहाँ तक अपना हो चुका था, अब आगे देखिए उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या कैसी थी। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी आधी रात का समय, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार बरसात खत्म हुई है, बादलों की गरज सुनाई दे रही है, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर, दादुर यानी मेंढक, झिल्ली यानी झिंगूर जिसे आप कहते हो, कसारी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीहूँ उठे ना। अब यहाँ पर गोदी में पियवा का मतलब क्या है? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीहूँ उठे ना, यानी आत्मा में ही परमात्मा का निवास, गोद यानी आत्मा और पियवा यानी परमात्मा। और इस रहस्य को संसार के लोगों को जब पता पड़ता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि कबीर क्या थे, आत्मा में ही परमात्मा को मानते थे, निर्गुण निराकार को मानते थे, इसलिए वो कहते थे कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीहूँ उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। वह कौन? वह यहाँ पर आत्मा को कहा गया है कि आत्मा क्या समझती है, परमात्मा के आत्मा में विद्यमान होने के बाद भी आत्मा यह समझती है कि वह इस संसार में बिल्कुल अकेली है। चमक उठती है, चीहूँ उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कोंद उठने वाली, यानी कोंद उठना यानी चमक उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार
निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता है ना, बिल्कुल शांत वातावरण में, क्योंकि रात्रि को कोई हलचल नहीं होती। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है, मतलब देर रात तक भी वो क्या करते रहते थे, कबीर के पदों को गाते रहते थे। और क्या कहते थे कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि तेरी गठरी में लागा चोर, यहाँ का मतलब है कि तेरी आत्मा में, गठरी यानी आत्मा में कौन सा चोर लग गया है, विषय वासनाओं रूपी, सांसारिक सुखों रूपी, भौतिक सुखों रूपी चोर लग चुका है, वो प्रभावित कर चुका है। और हे संसार में आने वाले मुसाफिर, मुसाफिर क्यों कहा, आना और जाना, जो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, यहाँ पर क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है और हर आदमी एक मुसाफिर है और ये संसार एक सराय खाना है जहाँ पर आना और जाना लगा रहता है। जैसे सराय होती है, धर्मशाला होती है, आता है यात्री रुकता है और चला जाता है, उसी प्रकार से संसार को क्या मानते हैं, ये एक सराय खाना मानते हैं, पर आदमी को क्या मानते हैं, मुसाफिर मानते हैं। और चोर कहा है यहाँ पर सांसारिक सुखों को, विषय वासनाओं को, भौतिक सुखों को। अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती है। प्रभातियाँ प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत होते हैं वैसे तो, और वैसे तो प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र जो होता है वो अत्यधिक व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियों या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं नहीं होती, वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को भी पिरोने का प्रयास किया है जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उड़ते न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान करने के लिए जाते, और कहाँ जाते, गांव से 2 मील दूर, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, मतलब तालाब के ऊपर का स्थान जहाँ मिट्टी का टीला होता है, अपनी खंजड़ी लेकर जाकर के बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते। टेरना यानी गाना, पुकारना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक स्वयं के बारे में कह रहा, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखर छोटा तालाब, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात कहने का मतलब अभी पूरी तरह सूर्योदय नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, लोही यानी लालिमा, सूरज प्रातःकाल उगता है तो उसकी लालिमा वातावरण में चारों तरफ फैलती है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, कुहासा यानी कोहरा, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो कोहरा सब तरफ छाता हुआ दिखाई दे रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, आवृत यानी ढका हुआ, मतलब ऐसा वातावरण हो गया था कि मानो वो कोई रहस्य को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, इसलिए उसे अजीब रहस्य से ढका हुआ वातावरण बताया गया है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश यानी घास की चटाई पर पूरब में मुंह करके काली कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, मतलब वो निरंतर गा रहे थे, वो एक क्षण के लिए भी चुप नहीं हो रहे थे। उनके खंजड़ियाँ, उनके वाद्य यंत्र, जिसे का नाम क्या था, खंजड़ी, उनके वाद्य यंत्र यानी बाजा, बजाने का बाजा, कि उनकी उंगलियाँ खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और उनके इन प्रयासों से ऐसा होता कि कंबल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंप कपा रहा था, यानी सर्दी से कांप रहा था, और किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदे, मतलब वो इतना भक्ति में भाव विभोर होकर के तन्मयता से, तल्लीनता से गीत गा रहे थे कि उनके मस्तक के ऊपर पसीने के बूंदे चमकते हुए दिखाई दे रही थी। वो इतने भाव विभोर कर देने वाले गीत गा रहे थे कि लेखक बरबस या अकस्मात ही खींचा चला गया उनकी इस दिनचर्या को देखने के लिए।
और यही दिनचर्या थी जो लोगों में उनके लोगों के लिए अचरज का कारण थी। गर्मियों में उनकी संझा यानी शाम कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। अब केवल वो एक अकेले व्यक्ति नहीं थे उस गांव में, और व्यक्ति भी थे जो भक्ति में भाव विभोर होकर के उनके साथ इकट्ठे होते थे। खंजड़ी और करताल वाद्य यंत्रों के नाम हैं, उनकी भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, यानी भक्ति में डूबने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बालगोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से इस प्रकार से ओतप्रोत दिखाई देता था या भरा हुआ दिखाई देता था। मतलब भगवान की भक्ति में वो इस तरह तल्लीन हो जाते थे, इस तरह आसक्त हो जाते थे, इस तरह भाव विभोर हो जाते थे कि उन्हें अपने स्वयं के शरीर के ऊपर भी नियंत्रण नहीं होता। वो सुदबुद्ध खो बैठते थे और इस तरह से वो अपनी भक्ति को कबीर के प्रति प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।